अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी? क्या हुआ भाई, आज थोड़े से उदास लग रहे हैं। क्यों उदास लग रहे हैं भाई? हाँ, दोस्तों से झगड़ा हो गया। क्यों लड़ते गए? क्यों कल खेल रहे थे तो लड़ाई हो गई, फिर तो क्या दोस्ती कर लेते? हाँ, दोस्ती कर लेते हैं जब किसी से झगड़ा होता है, कोई नाराज़ हो जाता है तो एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं या फिर गले लगा लेते हैं और झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। जी माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, मिल कर रहना चाहिए। जी हाँ, कर लेंगे आज दोस्ती कर लेंगे। ठीक है जी, तो फिर मूड अच्छा करें अपना। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस जी। आज हम फिर क्या करें, अब मूड भी अच्छा हो गया है, अब करते हैं काम की बात। कल हमने क्या किया था? हाँ, कल हमने तख्लीकी लिखाई लिखने की कोशिश की थी, जिसमें हम चाह रहे थे कि हम एक जो हमने सबक पढ़ा है, पैगाम आ गया, उसको अपने लफ्ज़ों में बताएं, है ना। हमारे पास जो बुक का सफ़ा नंबर 11 मौजूद है, उसमें तख्लीकी लिखाई में लिखा हुआ है कि इस नज़म में बयान किए गए वाक़े को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखिए, यानी कि जो हमने सबक पढ़ा है उसको हम अपने अल्फाज में लिखेंगे, उसमें हुआ क्या था। पता है ना आपको, आपने चैप्टर पढ़ा भी था, समझा भी था और हमें उसकी एक्सरसाइजेस भी की थी, तो हमें तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें इस चैप्टर में क्या करना था, इसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, सब पता है ना हम लोगों को। फिर हमने क्या किया था, हमने कल कुछ अल्फाज निकाले थे जिनको सोच के हमने ये देखा था कि भाई इस चैप्टर में जो है इन अल्फाज को, इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है ना, याद है ना। तो चलें उस पहले अल्फाज को हम जो है वो डिस्कस करते हैं, एक रिव्यू करते हैं। हमने क्या किया था, ये नात है और इसमें क्या था, पैगाम की बात हुई है, वही की बात हुई है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई है, सूरतुज़्ज़ुहा की बात हुई है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात हुई है, नाराज़ परेशान अल्लाह। जी हमने ये कल अल्फाज निकाले थे, है ना। जो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब इन अल्फाज से मुताल्लिक कुछ जुमले बनाते हैं और उन जुमलों को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपना वाक़या तरतीब देते हैं, है ना। ठीक है ना, तो क्या हुआ था इसमें, क्या हुआ था ज़रा बताइए मुझे, क्या था इसमें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि पैगाम आता था, अल्लाह ताला अपना पैगाम भेजते थे जिसे हम वही कहते हैं, और क्या होता था जी, एक सफ़ा जी, ये सिलसिला रुक गया था, वेरी गुड। और उसके बाद क्या हुआ था, जब ये रुक गया था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे, वेरी नाइस। और उसके बाद क्या हुआ था, फिर अल्लाह ताला समझे, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है इसलिए वही नहीं आ रही है ना। उनको लगा कि अच्छा, मुझसे अल्लाह ताला नाराज़ हो गए इसलिए वही नहीं आ रही है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया था, सूरतुज़्ज़ुहा उन पे उतारी थी और उसमें कहा था कि अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी और हर तरफ आपका दुरूद व सलाम होगा। यही कहा था ना जी, क्या आप परेशान ना हो, आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी, आपको जन्नत जो है आपको तोहफे में दी जाएगी, हर जगह आपको जिक्र कलाम होगा आपका और हर जगह आपका दुरूद व सलाम होगा, है ना। देखिए हमने कितनी आसानी से पूरा चैप्टर रिव्यू कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसी जुमलों को, इसी वाक्य को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आते थे। हुज़ूर अकरम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आते थे। एक दफ़ा ये सिलसिला रुक गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए जी, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हैं। ठीक है, इसीलिए वही नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला ने सूरतुज़्ज़ुहा उतारी,
तो अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा उतारी और कहा, अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि जन्नत आपको ज़रूर मिलेगी और हर तरफ आपका ही दुरूद व सलाम होगा। कितनी आसानी से हमने जो है क्या किया, हमने पूरे वाक़े को मुख्तसरन बयान कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी वाक़या हो, कोई भी कहानी हो, तो आप बना सकते हैं ना, उसे लिख सकते हैं, उनमें से छोटे छोटे से पॉइंट्स निकालें कि उसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है और उस टॉपिक को, उस पॉइंट्स को आप जो है जुमलों की सूरत दें और जुमलों की सूरत देने के बाद इस तरह से एक पैराग्राफ लिख लें। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आते थे। एक दफ़ा ये सिलसिला रुक गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हैं, इसीलिए वही नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा उतारी और कहा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि जन्नत आपको ज़रूर मिलेगी और हर तरफ आपका ही दुरूद व सलाम होगा। ठीक है जी, हमारा जो है पैराग्राफ लिख लिया हम लोगों ने। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने किस तरह से अपनी इस पूरी नज़म को जो है मुख्तसरन अपने पैराग्राफ में लिखा है, किस तरह से लिखा है। और आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी उठाएंगे और कॉपी में इस पैराग्राफ को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखेंगे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से लिखेंगे। अच्छे से डिज़ाइन बना दीजिएगा, छोटा सा फूल बना दीजिएगा जी, इस पर कलर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और जब आप ये लिख लेंगे तो फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप इस पैराग्राफ की पिक्चर उनको भेजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से हमने अपनी पूरी नज़म, अपनी पूरी नात को जो है इस पैराग्राफ में बताया है कि उस नात में क्या हुआ था। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं हम एक नए काम के साथ में। अल्लाह हाफिज़।